God. Happy birthday, Mirija. Take. ये तो DHA वाले अपार्टमेंट की फाइल है. My birthday gift to you. मतलब आपसे पूछना तो दूर, बताना भी गवारा नहीं किया. यानी बीवी कितनी अहमियत हो गई है कि माँ की अहमियत नहीं रही अब. ना हमसे छीन कर, ना हमारे हक में कमी करके. ऐसे तो नहीं दे रहा ना वो अपनी बीवी को. लव मैरिज हो जाती तो काम दाम छोड़ के अंबर के कदमों में बैठे रहते. पड़ा रहता उसके कदमों में मैं, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी जो तुमने होने नहीं दी मेरी. ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना. अज़द, अज़द, वो सुनो, मुझे ना बच्चों के लिए कुछ पैसे चाहिए. तुम्हें पता है इंकसार से कहूंगी तो फालतू में झगड़ा करेगा. उसे तो बस यही लगता है कि मैं फजूल खर्ची करती हूँ. तो सिर्फ 5,000 है. हाँ तो कितने चाहिए? अच्छा तो बच्चों के लिए कुछ चीजें इस तरह से लेनी थी. आजकल तुम्हें तो अंदाजा है महंगाई कितनी हो गई है. उनके कोर्स की बुक्स लेनी है, यूनिफॉर्म वगैरह लेने हैं. 5,000 में तो तुम्हें पता है कुछ भी नहीं होगा. फिलहाल तो मेरे पास इतना ही कैश है. फिर ऐसा करो, मैं तुम्हें सुबह ही एक साथ ज़्यादा निकलवा के दे दूँगा. ठीक है. पैसे देते हुए ना मेरी दफा में ही सबको मौत आती है. मारिया के लिए तो खूब निकल रहे होते. क्या हुआ बेटा, फोन लगा? मुसलसल उसका फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग जा रहा है, कॉल ही नहीं रिसीव कर रही है मेरी. हाँ वो तो किसी दोस्त से मिलने के लिए गई थी. एक काम करो, उसकी सारी सहेलियों को फोन करके पता करो, हो सकता है किसी के घर पे हो. उसकी जितनी दोस्तों को मैं जानता हूँ सबको कॉल कर चुका हूँ मैं, वो किसी के घर पर नहीं है. अल्लाह है रो, मुझे तो टेंशन होने लगी है. आपको टेंशन हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर. इतनी लापरवाही, उसे जरा सी भी परवाह नहीं है कि उसके घर वाले घर पे कितना परेशान हो रहे हैं. रेहान नगो को फोन करके दे, हो सकता है माँ से मिलने के लिए चली गई हो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम खाला. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो रेहान बेटा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ खाला. अरीबा से बात करा दे मेरी. अरीबा? अरीबा तो यहाँ नहीं आई बेटा. क्या अरीबा वहाँ पर भी नहीं है? नहीं नहीं खाला, सुबह से अरीबा घर से बाहर निकली हुई, रात होने को आ रही, वो घर वापस नहीं आई. क्या अल्लाह खैर, मैं तो घर वापस नहीं आई. रेहान मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में कोई बात तो नहीं हुई ना? नहीं खाला, हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई है. हम तो खुद परेशान बैठे हैं घर पे, समझ में नहीं आ रही कहाँ चली गई है वो. मैं और अम्मी तो ये सोच रहे थे कि आपको कॉल करके पूछे कि कहीं वो आपके घर तो नहीं आई है. नहीं यहाँ नहीं आई. अरीबा हाँ चली गई. असद मुझे बताएं, कल आप ऑफिस में इन दोनों में से कौन सी शर्ट पहनेंगे? मुलाजमा तो जा चुकी है, किससे प्रेस करवाऊंगी? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं प्रेस कर लूंगी क्योंकि मुझे आपके काम करना बहुत अच्छा लगता है. अच्छा ये सब यहीं रखो, यहाँ आओ. शीन कहे? कुछ कहना नहीं है, गिफ्ट देना है तुम.
हाथ आगे कर। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा खूबसूरत, बस ठीक ही है। इनफैक्ट अब ये खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत, तुम्हारे खूबसूरत हाथों पे। वाकई बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल गोल जैसा ही है। गोल जैसा क्या मतलब, गोल ही है ये, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे लिए मैंने ले लिया। क्या जरूरत थी अभी आपने बर्थडे पे मेरे लिए इतने गिफ्ट लिए, और अब ये काफी एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, सो इट डजंट मैटर। जानते हैं कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पे रश आता है कि आप जैसा प्यार करने वाला मुझे शौहर मिला। खुश रहकर, तुम खुश रहोगी, हमारे बच्चे की सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू। अरे वाह, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? मेरी वजह से तुम्हारे साथ क्या हो गया? खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुम क्या, तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र करो कि वो लोग वहां से भाग गए थे। लेकिन तुम वहां क्या कर रही थी, और वो लोग ऐसे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? हरीबा, कहीं कोई और बात तो नहीं है? नहीं, I swear, मैं तो अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, वो लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। तुमने बात मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, अगर तुम ना होते तो लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करते। सिर्फ कौन लोग थे हरीबा, और कहाँ लेके जाना जा रहे थे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं नहीं जानती उनको। मैंने तुमकी शक्लें भी पहली दफा देखी है, मुझसे आखिर किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी से कोई तो दुश्मनी रही होगी, इसलिए तो वैसे बदला लेना चाहा। कहीं ये सब अहमर ने तो, बहुत ही घटिया इंसान है अहमर। उसकी बीवी के सामने उसकी दी हुई अंगूठी मुंह पर मारी थी, इसीलिए शायद बदला ले रहे थे। हरीबा, तुम परेशान मत हो, मेरी बात मानो, इस वक्त तुम अपने घर जाओ, हमारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर फहद, मेरी फिक्र मत करो, ये भी फाइन, किसी दोस्त को कॉल कर लेता, वो आ जाएगा। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो मेरा शुक्रिया बाद में भी अदा कर सकती हूँ, तुम इस वक्त मेरी बात मानो, तुम अपने घर जाओ। मिस्टर पात, आपका केस पुलिस केस है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे। फहद, अब क्या होगा, पुलिस केस बन गया तो मेरे यहां से क्या कहूंगी? तो क्यों फिक्र कर रही हो, मैं यहाँ हूँ ना, मैं हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ। पर कर क्या ये बात, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, तुम जाओ। Are you sure? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, अल्लाह पहनना नसीब करे कि अशद ने मुझे गिफ्ट दिया। अच्छा, खुश रहो, अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत ऐसे ही कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दवाई नहीं थी आपकी,
वाह भाई, मारिया तुम्हारे तो ऐश है, है? इतना महंगा गिफ्ट दिया तुम्हें हजरत ने। आकाश, मेरा शौहर भी हजरत जैसा ही होता। अरे भाई, ये तो अच्छी बात है ना? भाई हम तो कहते हैं कि हर शौहर को अपनी बीवी का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे हमारे असजद मियां रखते हैं। खैर, मारिया जी, खाना लगवा दो, भूख लग रही है। हम भी लगवाती हैं। वैसे मैंने अजय से जरा से पैसे क्या मांग लिए थे बच्चों के लिए, चिट्टा इनकार करती है, कहता है ही नहीं मेरे पास कैश में कुछ। 5,000 दिए थे, वो भी वापस ले लिए। अरे हाँ, हिस्सा बोलो, मारिया ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? भाई जो सोचना है सोचे, मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ? तुम तो बिला वजह का गुस्सा कर रही हो। मैं बीवी है उसकी, पूरा हक है। और मैं क्या उसकी कुछ नहीं लगती? बहनों में उसकी, बहनों का भी कोई हक होता है। बीवी के लिए लाखों रुपए निकल रहे हो, बहन को देने के लिए हजारों नहीं। और अम्मी, मेरे सामने ना मारिया की तरफदारी ना करा करें, जहर लगती है आपकी हरकत मुझे। देखें, आत आगे बढ़ती जा रहे, किसान गिरा पर पूरा का पूरा फ्लैट उसके नाम कर दिया, सोने के जेवर दे रहे हैं। सच सच लगता है, तावीज गंडे करती है ये। दिमाग खराब है तुम्हारा। पहला पहला बच्चा आने वाला है उसका, और मारिया उसे बाप बनने जैसा अजीम रुतबा देने वाली है, इसलिए वो अपनी बीवी पे इतनी मेहरबानियां कर रहा है। अबे तुम्हें याद नहीं है जब वो तुम्हारी वानिया हुई तो इनका सार कितना ख्याल रखता था तुम्हारा? हाँ, तो बस वानिया की दफा में ख्याल रखा था इनका सार ने मेरा, उसके बाद तो जूतों में दाल बट रही। अब बेहतर होगा कि जो कुछ मुझे दिख रहा है, जो हालात नजर आ रहे हैं, वक्त से पहले आप भी देख लें, वरना ये ना हो कि आप उनमें पछताते रहे। मेरा क्या है, मेरे पास तो जैसे तैसे करके भी इनकसार है, गुजारा कर ही लूंगी। पर आप सोचें आपका क्या होगा? आपका आखिरी सहारा तो जद ही है। मारिया, क्या अरीबा तुम्हारे घर पे है? नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी। नहीं नहीं मारिया, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हारे घर आई होगी तो मैं तुमसे मालूम कर लूँ। हाँ ठीक है, जैसे ही आती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कहा मारिया ने? हाला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, मारिया के घर भी नहीं है। ज्यादा तफसील से मैंने इसीलिए बात नहीं की कि उसके ससुराल में बात ना फैल जाए। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? वो जिद्दी और गुस्से वाली तो जरूर है, लेकिन वो इतनी लापरवाह नहीं है कि बगैर बताए हुए कहीं चली जाए। जरूर जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। अको, तुम तो खुद को संभालो, आगे या अरीबा का नहीं पता चल रहा। रहने दे आप, जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना वो इस तरह से बगैर बताए हुए चली जाए। रेहान, तुम ही बताओ बेटा, कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच में? बताओ ना। हाला मैं कैसे समझाऊं आपको, ऐसी कोई बात नहीं हुई है हमारे बीच में। भैया, बच्ची कहाँ चली गई थी तुम? हाँ तो ठीक तो है ना? अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या हुआ है? कहाँ थी तुम?
कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कहां थी तुम? वो मैं खाना मी को बताकर तो गई थी कि मैं फ्रेंड के घर जा रही हूं। कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी? तुम्हारी सारी दोस्तों को मैंने फोन किया, तुम किसी के घर पर भी नहीं थी। पागल समझ के रखा हुआ है क्या तुमने हमें? जानती हो तुम्हारी वजह से कितने परेशान हुए हम लोग? सुबह से मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा हूं, तुमने एक कॉल भी रिसीव नहीं की। मैं जिस कैब में बैठी थी वो खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। हाँ तो मुझे फोन करके बताना था ना, या वही कॉल रिसीव कर लेती जो मैं तुम्हें कर रहा था सुबह से। रिहान बेटा बस रहने दो, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हरीबा खैर खैरियत से घर वापस आ गई। बेटा हम सब बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। मैं इसे जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, सुबह से घूम फिर रही है, इसे जरा सा भी एहसास नहीं कि घर वाले कितने परेशान होंगे। आप ही समझाएं इसे, फिर कहेंगी कि मैंने ज्यादा कह दिया। आप ही बात करें इसे। कहाँ रह गई थी? सब ठीक है ना? मार देंगे तेरे का। हट। चाय यार, आपकी चाय। नंदो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी कॉल अटेंड करनी चाहिए थी।
सॉरी, सिर्फ सॉरी। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितने परेशान हो गए थे। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता था, कोई हादसा हो सकता था, ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिमाग में। और तुम होके इतना कैजुअली सॉरी बोल रही हो जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही ना हो, तुम्हारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट ही ना हो। अपनी गलती का एहसास है इसीलिए तो सॉरी कर रही हूं। तो दिख रहा है कि तुम्हें अपनी गलती का कितना एहसास है तुम्हारे लहजे में। अरिमा, मुझे लगता था कि तुम जिद्दी हो, खुद सर हो, लेकिन तुम तो खुद खर्च हो। अपने अलावा किसी और इंसान के बारे में सोचती भी नहीं हो। बस कर दे रेहान, और कितना गुस्सा करेंगे मुझ पर। अपनी गलती मान भी रही हूँ, सॉरी भी कर रही हूँ, अब क्या चाह रहे हैं? आपके आगे हाथ जोड़ू या आपके पैर पड़ू तब जाके आपको सुकून मिलेगा? काश तुम्हें इतना एहसास होता। किस एहसास की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो एहसास जो आपने कभी मेरा किया ही नहीं। जानते भी हैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, कितनी मुश्किल से घर तक पहुंची हूं मैं। कैसी मुसीबत? रीबा, कुछ पूछा है मैंने, क्या हुआ था? बताया तो था कि गाड़ी खराब हो गई थी। बस यही हुआ था? तो और क्या हो सकता है? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? चल क्या रहा है आपके दिमाग में? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। मैं नूर को देखने जा रही हूँ, आप चाय पी लें, ठंडी हो रही। नहीं पीनी मैंने, पड़ी रही यही। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मेरा ब्रेसलेट आपने चुराया है। जब मैं रूम में थी मैं ब्रेसलेट पहनने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अम्मी आपको बुला रही हैं। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना। अंबर, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आओ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, तबीयत ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या पागलों वाली बात कर रही हो, हालत देखो। आओ, जहां जा रही हो मैं छोड़ देता हूँ, कम प्लीज। इतनी धूप में खड़ी क्या कर रही थी तुम? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप ऐसा करें कि आप मुझे बस घर छोड़ दें। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इस हालत में घर से क्यों निकली थी? इंटरव्यू देने गई थी। पता नहीं मेरी किस्मत में इस तरह धक्के खाना कब खत्म होगा। एक ढंग की जॉब नहीं मिल रही है। पन, पन।
क्लिनिक मेरे कि क्या आप कब आए? बस अभी आया हूँ। तुम रेडी हो? बस थोड़ी सी ज्वेलरी पहनना रहती है। मैंने आपको इतने फ़ोन कॉल्स किए, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, अदनान का कई बार फ़ोन आ चुका है, वेट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। सुनो, वो ब्रेसलेट जो मैंने तुम्हें दिया था वो ज़रूर पहन। क्या हुआ? मेरे परेशान लग रहे हो तुम, खाओगे? क्या हुआ है? अंबर से मिला था, ठीक नहीं लग रही वो। ममानी का फोन आया था, बता रही थी ऑफिसों के चक्कर लगा रही है नौकरी के लिए, परेशान है जॉब को लेकर। मेरी समझ में नहीं आता अंबर को जॉब की जरूरत क्या है। मैं मामू जान से बात करूंगा। भाई खुददार लड़की है, बोझ नहीं बनना चाहती ना किसी पर। सच कहूं तो बड़ा डर लग रहा है मुझे आजकल अकेली लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है। ऐसी लड़कियों का फायदा बहुत उठाते हैं लोग। बाहर की दुनिया में, पूरे माशरे में, बल्कि कितने भेड़िए घूम रहे हैं तलाश में कि बस कोई शिकार मिले। बाहर की दुनिया तुम तो मुझसे बेहतर जानते हो, लोगों में तुम्हारा उठना बैठना है तुम तो जानते होगे। लोग तो मजबूर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं ना। मैं बात करूंगा अंबर से। करने का क्या है उस जद से? अरे अपनी कंपनी है, है? नौकरी पे रख लो तुम उसे। ठीक कह रही हूँ, ये उसके लिए बल्कि सबके लिए भला है। कर लेते आखिर को हमारी। मारिया जी। मारिया, अम्मी कब से आवाजें दे रही हैं तुम्हें, जल्दी जाओ। जी सॉरी, चोट तो नहीं लग गई? नहीं नहीं, ठीक है। और वैसे मुझे अम्मी नहीं बुला रही थी। क्या? अच्छा, फिर गलतफहमी हो गई होगी, आवाजें तो दे रही थी वो, मुझे बुला रही होंगी, मैं जाके पूछती हूँ। मारिया बस आई, एक मिनट। इतना टाइम लगा दिया, बस तैयार हुए थे। तुमने ब्रेसलेट नहीं पहना? भूल ही गई। जाओ जल्दी से पहन के।
जी। मारिया, अम्मी कब से आवाजें दे रही हैं तुम्हें, जल्दी जाओ। हेलो। हाँ बस रास्ते में पहुंच रहे हैं। ओके ओके बाय। आएगी लड़की। आर्या, आर्या आप, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आप फहद? बस ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ क्या बात है? अरे वाह, तुम भी सोचोगे कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद की कि अपनी जान खतरे में डाल दी, और मैं हूँ कि सिर्फ अपनी परवाह कर रही हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि रेहान को मेरे साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में पता चले। प्लीज़ तुम किसी से कुछ मत कहना। देखो रिवा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हें रेहान को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं समझी नहीं। देखो उसने तुम्हारे साथ ये एक बार किया है, वो दोबारा भी तो कर सकता है। मैं रेहान को नहीं बता सकती। अगर मैंने रेहान को बता दिया तो उन्हें अमर के बारे में पता चल जाएगा, और जब वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, शौहर सब कुछ माफ़ कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी की बेवफाई माफ कर सकता। तुम कितने अच्छे हो। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें इतना गलत समझा और तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। अरे कोई एहसान नहीं किया था, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं शायद यही करता। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? अपनी फ्रेंड से। अरीबा आज फिर रेहान बगैर नाश्ता की ऑफिस चला गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है खाला अम्मी? मैंने तो उनसे कहा था कि नाश्ता कर लें, उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था मुझ पे, अब मैं हाथों से खिलाने से तो रही। बीवी हो तुम उसकी, बेटा अगर मना कर हाथ से खिला देती तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। खाला में एक बात बताएं, क्या फ़राइज़ सिर्फ बीवी के होते हैं? शोहर के कोई फ़राइज़ नहीं होते? आप किसी काम से आई थी यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है तुमसे। मैं सिर्फ बताने के लिए आई थी, पड़ोस में जा रही हूँ और नूर सो रही है, उसका ध्यान रख लेना। रख लूँगी, अब यही तो है मेरी ज़िंदगी में, नूर, रेहान, आप और आप लोगों के काम और इस घर के फराइज, जो पता नहीं कभी खत्म भी होंगे कि नहीं। यार ना इसको अकल दे, कभी कभी तो इसकी बातों से मुझे डर लगने लगता है। मारिया, मारिया कहाँ रह गई हो? जल्दी करो, फोन आ गया अदनान का कई बार। ब्रेसलेट पहनने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, तुमने पहना ही नहीं ब्रेसलेट। ब्रेसलेट मेरे कमरे में नहीं है। क्या मतलब रूम में नहीं, और कहाँ होगा? जाओ सही तरह से देखो। मैं जब आपको कह रही हूँ ब्रेसलेट मेरे कमरे में है ही नहीं तो कहाँ से पहनो? क्या हुआ, तुम लोग गए नहीं अभी तक दावत में? इसे ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है इसका। है क्यों, कहाँ गया, खो दिया? अच्छा तुम्हारी बीवी ना वैसे बड़ी लापरवाह, इतना कीमती ब्रेसलेट तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था ना।
ठीक कह रही है। यू शुड बी केयरफुल, पता है वो कितना कीमती और महंगा। जाओ जाके देखो। अच्छा जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे रूम में ब्रेसलेट है ही नहीं, तो मैं कहाँ से पहनूं? फिर काया कहाँ? क्या मतलब इस बात का? सोचो कहीं और तो नहीं रख दिया क्या तुमने? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, है? मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरा वो ब्रेसलेट ना आपने चुराया है। What? या अल्लाह, मारिया ये क्या कह रही हो तुम्हें? तुम्हारी बेवी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। या अल्लाह, ये दिन देखना बाकी रह गया तो तुम्हारे सामने ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा। क्या क्या हो रहा है यार? हमें अब देखें ना, आज आपके होते हुए आपके घर में आपकी बेटी पर चोरी का इल्जाम लग रहा है। कल न जाने क्या होगा, ये जो आपकी लाडली बहू है ना, इसने मुझ पर अपना ब्रेसलेट चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मेरा ब्रेसलेट आपने चुराया है। जब मैं रूम में थी मैं ब्रेसलेट पहनने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अम्मी आपको बुला रही हैं। मारिया प्लीज चुप कर जाओ, क्या बोल रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अल्लाह, ये दिन देखना बाकी रह गया था, इस दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अच्छा तुम्हारी बीवी मुझे चोर कह रही है। एक काम करो मारिया, तुम ना मुझे मेरा गला घोंट के बात बाकी है। क्यों छोड़ो यार अब्बा, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? जमीन क्यों नहीं पटती? बस मैं समा क्यों नहीं जाती? अच्छा तुम्हारी बीवी मुझे चोर कह रही है, लोग क्या कहेंगे? किसको कैसे मुंह दिखाऊंगी? हैं? लोग कहेंगे कि बहन ने अपने भाई के कर चोरी की। ध्यान ना, नहीं 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 मारिया, एक काम कर, तुम ना मुझे मार दो, तुम्हारे हाथों मरूंगी मैं, पता है? क्योंकि क्योंकि ये इल्जाम मैं नहीं सकती। मार दो, मारो, मारिया इतनी बड़ी बात करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मारिया, प्लीज चुप कर जाओ। जाओ जाओ इसे दावत पर ले जाओ, मुझे नहीं जाना किसी भी दावत में। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मारिया कि तुम मेरी बहन पे इतना घटिया इल्जाम लगा। तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? उस वक्त तो तू बच गया था, अब कैसे बचेगा? वन टू थ्री। वैसे तुम लोगों ने एक्टिंग कमाल की है यार, आखिर बॉस कौन है? लेकिन तुम लोगों को इतने करीब से गोली चलाने का किसने कहा था? अगर गोली मेरे दिल पे लग जाती फिर? मेरा निशान इतना कच्चा नहीं है, और आपने बहुत गोली छू के निकलनी चाहिए। छू कर गुजारने को बोला था, ये इतना बड़ा जो जख्म दिया तुमने उसका क्या करेंगे? जख्म तो आपने उस लड़की के दिल पे लगाए हैं, अब मरहम लगाने के लिए तैयारी कर लिया। Thank you.